हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन मिश्रा आप लोगों का अपने चैनल ड्राइविंग गुरु नवीन पंडित पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जैसा थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि ड्राइविंग कैसे सीखें, कहाँ सीखें और किससे सीखें। तो दोस्तों देखिए, पहली बात कि कैसे सीखें, तो उसके लिए हमारी परिस्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है, उस पर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए पहला पॉइंट ये कि हमारे पास गाड़ी है, तो सबसे आसान है उस परिस्थिति में हमको गाड़ी सीखना। जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है तो हम सरलता से किसी से भी, किसी जानकार को बुलाकर गाड़ी सीख सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास बजट है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का, तो हम कोई भी सेकेंड हैंड पुरानी गाड़ी, जैसे कि मैंने एक वीडियो अपने बताया हुआ है कि ये भी एक आसान तरीका है कि सेकेंड हैंड पुरानी गाड़ी खरीद करके और ड्राइविंग सीखने के बाद हम चाहें तो उस गाड़ी को लगभग रेंज में ही बेच सकते हैं, घाटा भी हमको नहीं होगा और हम ड्राइविंग भी सीख जाएंगे सरलता के साथ। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरी परिस्थिति आती है, मान लीजिए हमारे पास ना बजट ही उतना है कि हम गाड़ी खरीद सकें, ना कोई गाड़ी है हमारे पास, उस परिस्थिति में क्या करें। जैसे कि हम लोगों के साथ था, हमने जब ड्राइविंग सीखी तो ना हमारे पास गाड़ी थी और ना ही बजट था कि हम कोई गाड़ी खरीद सकें सेकंड हैंड। तो दोस्तों उस समय मैंने क्या किया वो आप लोगों से अपना अनुभव शेयर करता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैंने अपने एक मित्र से बात करी। हमारे मित्र के पास एक वैगनार गाड़ी थी, तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरे को 10 दिन तक तू लगातार गाड़ी सिखा दे और उसमें जितना भी तू जो खर्च कहेगा, तेरा जो पेट्रोल लगेगा और जो तू एक्स्ट्रा खर्च कहेगा मैं वो दे दूंगा। रोज एक घंटा मेरे को सिखाना है, उसमें जितना तेरी गाड़ी में पेट्रोल लगेगा वो दूंगा, जो तू एक्स्ट्रा चार्ज कहेगा वो भी मैं दे दूंगा। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि ठीक है गुरु, मैं तुमको सिखा दूंगा। तो दोस्तों एक हफ्ते तक लगभग 10 दिन लगातार उससे मैंने गाड़ी सीखा, तो उससे मुझको लगभग 30-35% तक नॉलेज आ गया। ट्रेन नहीं हुआ, उसमें समय लगता है, लेकिन हाँ हमारी हिम्मत थोड़ा थोड़ा बनने लगी कि हाँ अब हम थोड़ा सा गाड़ी के बारे में नॉलेज हुई हमको चलाने के लिए कैसे चलाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, सीखने के लिए छोटी गाड़ी ही 800 अल्टो या वैगनार, अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो छोटी गाड़ियों में ही स्टार्ट करना सबसे बढ़िया होता है और थोड़ा कम समय लगता है, जल्दी सीख जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे एक मित्र के पास वैन गाड़ी थी, मारुति की वैन आती है, उसमें भी ड्राइविंग सीखना बहुत आसान है, तो थोड़ा थोड़ा हमको चलाने आ गया था। तो फिर उस मित्र से मैंने बात करी, तो एक हफ्ते तक हम उनके पास पर डे जाते थे और वो हमको एक घंटा गाड़ी सिखाते थे, जो भी उनका तेल लगता था मैं देता था, जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कहे 1500 वो भी मैंने दिया। उसके बाद जब हमको ये हो गया कि हाँ मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो मैंने एक स्कूल में गाड़ी पकड़ी। सबसे पहले स्कूल की गाड़ियाँ क्या होता है कि छोटे, उनका चक्कर छोटा होता है, थोड़ी देर ही चलती हैं, 20-30 किलोमीटर चल के और आराम से चलाना होता है। तो मैंने स्कूल की गाड़ी से स्टार्ट किया, गाड़ी पकड़ी और दोस्तों लगभग 3 महीने मैंने स्कूल की गाड़ी चलाई। उसके बाद फिर एक मित्र की गाड़ी हमारी टाटा मैजिक थी जो स्कूल में लगी थी, फिर उसको मैंने चलाया। शुरुआत में हमको पैसे से मतलब नहीं था, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, केवल सीखने की लगन थी। एक बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंटरेस्ट का होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जितना आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है उतना जल्दी आप उस चीज़ को सीख जाते हैं। अगर आपका सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं सीखेंगे, और जल्दबाजी नहीं,
कि तत्काल बजाए तुरंत गाड़ी बैठेंगे हम चलाने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त, हर चीज को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसमें फोर व्हीलर में आप अंदर बैठे हो, बाहर नीचे आपको चक्का का दिखाई नहीं पड़ रहा है, सामने से आपको जजमेंट ले करके कि हमारा पहिया कितने पे चल रहा है, पीछे गाड़ी कितनी है, आगे कितनी है, ये जजमेंट के हिसाब से हमको धीरे धीरे अनुभव आता है चलाने के लिए। तो मैंने उससे सीखा और धीरे धीरे करके दोस्तों फिर मैंने बोलेरो चलाई, मार्शल चलाई महिंद्रा की, और फिर टाटा की विंगर चलाई, और आज मैं बस चला रहा हूँ टाटा मार्को पोलो 42 सीटर। अब कोई भी गाड़ी, अगर आप एक दो गाड़ियाँ चला लेते हैं तो कोई भी गाड़ी चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप क्या करें, मान लीजिए आपके किसी मित्र के पास गाड़ी, आपको गाड़ी सीखना ही है, पहले ये प्रण कीजिए, पहले ये मन में एकदम कि चाहे जो हो जाए, नहीं तो बीच में ऐसा लगे कभी कभी आपको कि नहीं सीख पाएंगे, अरे बहुत मुश्किल है, अरे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यही आदमी सब काम करता है, ठीक है। अगर आप मन में ठान लेंगे तभी आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। फटाफट कोई भी काम सीखने के लिए आपको मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि इस काम को हमको सीखना ही है, और एक बार अगर सीख लिए तो जीवन में दोबारा नहीं सीखना है आपको, फिर जीवन भर नहीं भूलोगे। एक बार अगर कोई चीज़ सीख लिया आपने गाड़ी चलाना, जीवन में कभी दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा, भूलोगे नहीं, हमेशा जब तक जीवन है तब तक गाड़ी चलाना आपको याद रहेगा। तो अब आप क्या करिए, ऐसे ही अगर किसी मित्र के पास आपकी गाड़ी नहीं है तो ड्राइविंग स्कूल है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन ये है कि आप ड्राइविंग स्कूल में जो भी हफ्ते 10 दिन का कोर्स कराते हैं वो उतना कोर्स कर लीजिए, उससे आपको कुछ कुछ चलाना आने लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो ट्रेन कर देंगे, लेकिन हाँ कुछ आपको जानकारी, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आपको कुछ नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद फिर आप रिक्वेस्ट करके, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो तो उसके यहाँ जा करके आपको समय खर्च करके, व्यर्थ करके ही वहाँ पर रह करके आपका समय खराब करके आपको गाड़ी सीखना पड़े, लेकिन आप प्रयास करिए, संकल्प करिए, पैसे खर्च करिए और समय खराब करिए, दो में से आपको दोनों काम करने पड़ेंगे तब आप ड्राइविंग सीख पाएंगे, अगर आपके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तो। और अगर आपके पास गाड़ी है या आपके किसी मित्र के पास गाड़ी है तब सीखना आपके लिए सरल है, फिर मैंने जो सिस्टम बताया उस सिस्टम से आप सीख लीजिए और बहुत जल्द आप ड्राइवर बन जाएंगे। तो भाई लोगों, अगर हमारा सुझाव आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई एक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए नॉलेज। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।